दुनिया भर में कोरोना का कहर, क्या आयुर्वेद देगा कोरोना को मात? आईआईटी दिल्ली ने किया शोध, रोजमर्रा की चीजें खत्म करेंगी कोरोना, चाय से होगा कोरोना का इलाज। दुनिया भर में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि पिछले काफी दिनों से बुरी खबरों के बीच अच्छी खबरें भी कोरोना को लेकर सामने आ रही हैं। कोरोना की वैक्सीन बनने की भी बात की जा रही है, तो कहीं वैक्सीन के ट्रायल की तैयारी हो रही है। और इन सब के बीच आयुर्वेद के जरिए भी कोरोना को मात देने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। आयुष मंत्रालय की ओर से कई तरह की औषधि को लेकर शोध कराए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली आईआईटी के हाल ही में किए गए रिसर्च में सामने आया है कि चाय और हरड़ भी कोरोना से लड़ने में मदद करती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक कोरोना काल में ही लोगों को इसका नियमित सेवन करना चाहिए, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस शोध की सराहना की है। आईआईटी दिल्ली ने नए शोध में ये खुलासा किया है कि चाय और हरड़, जिसका नाम हरिद्की भी है, ये कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार के लिए विकल्प के तौर पर लिया जा सकता है। बता दें कि आयुर्वेद में ऐसी कई औषधियां उपलब्ध हैं जिनसे बहुत जरूरी दवाइयां तैयार की गई हैं, और उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। बता दें कि ये शोध आईआईटी दिल्ली में कुसुम स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के प्राध्यापक प्रोफेसर अशोक कुमार पटेल के नेतृत्व में हुआ है। इसमें यह पता चला है कि चाय, ब्लैक और ग्रीन टी और हरिद्की में वायरस के खिलाफ प्रतिरोधी गुण मौजूद हैं, जो कोविड-19 के उपचार में विकल्प के तौर पर अपनाए जा सकते हैं। प्रोफेसर पटेल ने इस शोध अध्ययन के लिए 51 औषधीय पौधों की जांच की। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने औषधीय पौधों का प्रयोग किया। हमने प्रयोगशाला में वायरस की एक मुख्य प्रोटीन 3CL प्रो प्रोटीज को क्लोन किया, और फिर प्रयोग के दौरान पाया कि ब्लैक टी और ग्रीन टी और हरिद्की वायरस का मुख्य प्रोटीन की गतिविधि रोक पाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि चाय और हरिद्की में मौजूद गैलोटिनिन वायरस के मुख्य प्रोटीन को कम करने में बहुत ही असरदार है। इस रिसर्च टीम में प्रोफेसर पटेल के साथ मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग केंद्र की आयुर्वेदिक वैद्य डॉक्टर मंजू सिंह, पीएचडी छात्र सौरभ उपाध्याय, प्रवीण कुमार त्रिपाठी, पोस्ट डॉक्टरेट डॉक्टर शिवा राघवेंद्र, रिसर्च फेलो मोहित भारद्वाज शामिल थे। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आईआईटी दिल्ली के इस शोध की सराहना करते हुए ट्विटर पर लिखा कि हमारे देश में ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत चाय के घूंट से होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चाय कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर साबित हुई है। आईआईटी दिल्ली के एक शोध के मुताबिक चाय और हरड़ कोरोना वायरस के मुख्य प्रोटीन की वृद्धि को रोकने में कारगर साबित हुए हैं। शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस के मुख्य प्रोटीन के क्लोन पर 51 औषधीय पौधों के प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि चाय और हरड़ इस प्रोटीन की वृद्धि को रोकने में सक्षम है, जो वायरस की मारक क्षमता कम कर देते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन का मानना है कि यह शोध दवा बनाने का आधार हो सकता है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, शोधकर्ताओं का मानना है कि इस शोध के नतीजों की वैधता का परीक्षण जैविक रूप से किया जा सकता है। यह वायरस को लक्षित करने वाली दवाओं के विकास के लिए एक दिलचस्प आधार बन सकता है। ऐसे में अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि कोरोना के इलाज में चाय और हरड़ कितनी कारगर साबित होती है, और आईआईटी दिल्ली का रिसर्च कितना सही साबित होता है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली।